नमस्कार दोस्तों, 37वीं वीडियो है ये स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स ऑफ द मेनलैंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे पहाड़ियाज रेबेलियन के बारे में, चुआर अपराइजिंग के बारे में, कोल म्यूटनी ऑफ 1831, हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स 1820 से लेकर 1837, बहुत लंबे समय के लिए चली है, द संथल अपराइजिंग केवल एक ही साल चली लफजब, और खोंड अपराइजिंग 1837 से लेके 1856। इन सारी अपराइजिंग्स को हम लोग देखेंगे दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, और ये किताब अख्तर अभी तक अगर आपने नहीं खरीदी है तो इसको जरूर खरीद लें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ियाज रेबेलियन। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये जो पहाड़िया रेबेलियन हुआ था दोस्तों, ये राजमहल हिल्स के आसपास हुआ था। और अगर एग्जैक्ट एरिया की बात की जाए तो ये जो पहाड़ियाज थे, ये जो तीन डिस्ट्रिक्ट इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड की साहिबगंज, पाकुड़ और गोड़ा, इन इलाकों में रहा करते थे झारखंड में। ये पहाड़ियाज, ये जो कम्युनिटी थी, या फिर आप कह लीजिए जो पहाड़िया ट्राइब थी, ये ट्राइब जिन फॉरेस्ट में रहती थी उन फॉरेस्ट को क्या कहा जाता था, दामिन इको। एक्चुअली दामिन इको एक पर्शियन वर्ड था, किसके लिए, स्कर्ट्स ऑफ द हिल्स। तो ये जो फॉरेस्टेड लैंड्स होते थे इनको दामिन इको कहा जाता था। इट वॉज अ डेंसली फॉरेस्टेड एंड हिली एरिया। और देखिए हजारों सालों से ये जो पहाड़ियाज थे वो इन इलाकों में रह रहे थे। जो आपका राजमहल हिल्स का इलाका है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है इस मैप में। और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली जो हमारा ईस्ट इंडिया था, उड़ीसा का इलाका हो गया, फिर ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू का इलाका हो गया, जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश और अभी का जो वेस्ट बंगाल है उसका इलाका हो गया, उन सब इलाकों में जो रिवॉल्ट हुए हैं वहीं उसी के आसपास के रिवॉल्ट की बात हो रही है दोस्तों इस वीडियो में। तो पहाड़िया, अब आप देखोगे राजमहल हिल्स जो कि मैंने अभी आपको बताया मैप में, 1778 में यहाँ पे बवाल हो गया। किसने बवाल किया, पहाड़ियाज ने बवाल किया। पहाड़ियाज ने एक्चुअली में बवाल क्यों किया, देखिए दोस्तों ये पहाड़ियाज रहते थे पहाड़ों में, और इन पहाड़ियाज के रहने के तरीके पे किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं हुआ बहुत लंबे समय के लिए। इस इलाकों में मुगलों का राज भी आया था, लेकिन मुगल्स क्या था ना दोस्तों, जो मुगल ऑफिशियल्स थे वो जंगलों में बहुत डीप नहीं जाते थे, और ये जो पहाड़िया प्रिमिटिव ट्राइब है ये जंगलों में डीप रहती है। तीन मेन पहाड़िया ट्राइब्स हैं, एक सौरिया पहाड़िया है, एक कुमार बाग पहाड़िया, एक मल पहाड़िया है। ये तीनों पहाड़िया ट्राइब्स बिल्कुल डीप फॉरेस्ट में रहा करती थी, तो मुगलों के राज के दौरान भी ज्यादा मुगलों का इंटरफेरेंस इनके राज में हुआ नहीं। राजमहल हिल्स के अंदर बिल्कुल ही इनएक्सेसिबल टेरेन में रहते थे, इनको ढूंढना बहुत मुश्किल था, मुगलों के दौरान इनको ज्यादा ताकत हुई नहीं। लेकिन जब ब्रिटिश ये लोग आए ना, ब्रिटिशर्स के दौरान पहाड़ियाज की जो जगहें थी वहां पे घुसने लगे भाई ये ब्रिटिशर्स। अब ऑब्वियसली बात, अगर ये ब्रिटिशर्स पहाड़िया की जगह पे घुसेंगे किसी को पसंद आएगा, ऑब्वियसली पसंद नहीं आएगा दोस्तों, जब पसंद नहीं आएगा तो लड़ाई होगी। एंड में देखोगे दोस्तों कि ब्रिटिशर्स कुछ हद तक इन पहाड़ियाज को दबाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन एंड में ब्रिटिश को यह समझ में आएगा कि जो दामिन इको है इसको हमको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। मतलब ये पहाड़िया जिस फॉरेस्टेड इलाके में रहते हैं उसमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरेस्टेड इलाका हमें इनको देना ही पड़ेगा अगर इनके विद्रोह को हमें दबाना है, नहीं तो ये तो हमसे लड़ते ही रहेंगे, ये पीछे हटने वाले नहीं है। तो अंग्रेजों ने भी इनको थोड़े कंसेशन दिए, किसको, इन पहाड़ियाज को। ओके, तो ये पहाड़िया जो रिवॉल्ट था ये राजमहल हिल्स में हुआ 1778 में दोस्तों। ओके, एंड में ये जो दामिन इको है, ये जो दामनील कोल इलाका है, ये इनको दिया गया कि भाई आप यहाँ पे रहिए और अपना जो फॉरेस्टेड लाइफ आप जीते हो वो आप इस इलाके में रह सकते हो। हालांकि कुछ इलाके पे अंग्रेजों ने कब्जा भी लिया। फिर आगे बात करते हैं चुआर अपराइजिंग की। ये चुआर अपराइजिंग क्या है दोस्तों, ज्यादातर जो रिवॉल्ट हुए अंग्रेजों के अगेंस्ट वो इंक्रीज्ड लैंड रेवेन्यू डिमांड्स, इंक्रीज्ड टैक्स डिमांड की वजह से हुए। जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस होने लगा, जिस तरीके की जो इकोनॉमिक लाइफस्टाइल थी जिसको ब्रिटेन प्रमोट करते थे जमींदार और लैंडलॉर्ड्स के साथ मिलके, उसके अगेंस्ट में चुआरों ने भी हथियार उठा लिए। प्लस चुआर अपराइजिंग की एक और वजह थी, वो थी फैमिन। अकाल आ गया, लोग भूखे मरने लगे, टैक्स डिमांड कम हुई नहीं, रेवेन्यू डिमांड कम हुई नहीं, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे एक और चीज समझनी पड़ेगी, जो चार शब्द है दोस्तों, ये जो चुआर शब्द है, ये जो लोकल ट्राइबल्स थे ना बंगाल के, उनके लिए चुआर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, और इस चुआर शब्द को एक डेरोगेटरी मैनर में इस्तेमाल किया जाता था। डेरोगेटरी मैनर मतलब कि इनकी बेइज्जती करने के लिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता था। एक्चुअली इनको बोला जाता था सुअर, पिग। ओके, तो पिग बोल के इस ट्राइब को नीचे दिखाया जाता था, इसलिए कुछ हिस्टोरियंस इस चुआर को चुआर रेबेलियन ना बोल के रिवॉल्ट ऑफ द जंगल महल बोलते हैं।
क्योंकि जो चुआर शब्द है वो डेरोगेटरी सेंस में इस्तेमाल किया जाता था, एज अ पिग डिनोट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए रिवॉल्ट ऑफ द जंगल महल भी बोला कुछ लोगों ने इस रिवॉल्ट को। ये जो ट्राइब्स थे, ये जो चुआर जिनको बोला जाता था, दो जगह है, एक तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और एक बंकुरा डिस्ट्रिक्ट, बंगाल में है ये। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और बंकुरा डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, जो ट्राइब्स थे जिनको चुआर बोला जाता था, उन्होंने हथियार उठा लिए। ये ज्यादातर या तो फार्मर थे या हंटर थे। अगर ये फार्मर भी थे तो भी इनसे लैंड रेवेन्यू माना जाता था, अगर ये हंटर थे तो इनके जंगलों में घुस के अंग्रेज टिम्बर काट रहे थे, इनको राइट्स नहीं दे रहे थे। तो ये जो अपराइजिंग है, ये जो शुरुआती फेज चला, वो चला आपका 1776 से 1766 से 1772। ओके, उसके बाद 1995 से फिर से शुरू हुई अपराइजिंग और 1816 तक चली। भाई बहुत जगह देखिए पॉकेट्स में हुई है अपराइजिंग, ऐसा नहीं है कि एक ही इसका मेन लीडर था। हालांकि एक मेन लीडर जिसको फेमस माना जाता है वो था दुर्जन सिंह, लेकिन दुर्जन सिंह से पहले भी इस चुआर अपराइजिंग को कुछ लोगों ने लीड किया। जैसे फॉर एग्जांपल 1768 में जगन्नाथ सिंह करके एक जमींदार था, 1768 जगन्नाथ सिंह ने जंग छेड़ दी किसके अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट। जगन्नाथ सिंह एक्चुअली में जमींदार था और उसने चुआरों को इकट्ठा किया, ऑब्वियस बात है उसकी जमींदारी छीनी गई, उसने चुआरों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर दी। फिर कुछ और भी चुआर थे जैसे कि श्याम गंजन, फिर सुबला सिंह, ऐसे बहुत से चुआर उठे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट अपराइजिंग मानी जाती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर माना जाता है, वो माना जाता है दुर्जन सिंह को। दुर्जन सिंह भी एक जमींदार थे, इनकी जमींदारी छीन ली गई थी, तो उन्होंने बहुत सारे चुआरों को इकट्ठा किया, लगभग 1500 चुआरों को, और अंग्रेजी फोर्सेस के अगेंस्ट में जंग छेड़ दी। हो क्या रहा था, ये जो रायपुर का इलाका था, ये रायपुर का इलाका ही अपना मानते थे, लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे थे, इस रायपुर के इलाके की जमींदारी, लैंड रेवेन्यू जो सेटलमेंट थे, वो दूसरों को बेच रहे थे। ये चीज समझ पसंद नहीं आई दुर्जन सिंह को, दुर्जन सिंह ने बवाल छेड़ दिया। अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्तों कि दुर्जन सिंह को किसी का सपोर्ट नहीं था, बहुत सारे आसपास के लोकल लीडर्स का सपोर्ट था दुर्जन सिंह को। उन लोकल लीडर्स के नाम भी स्पेक्ट्रम में लिखे हुए हैं, हालांकि मेरे हिसाब से बोलूंगा इतने नाम आपको याद करने की जरूरत है नहीं, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वही फिर जो ब्रिटिश का न्यूड कॉलोनियलिज्म है वो सामने निकल के आया और बहुत बुरी तरीके से इस चुआर रेबेलियन को दबाया गया। बंगाल के इलाके में हुआ था, मेन लीडर दुर्जन सिंह, जगन्नाथ सिंह भी एक लीडर थे। टाइम पीरियड आपको पता चल गया। देखिए जब भी ट्राइबल मूवमेंट्स की आप बात करोगे दोस्तों, एक चीज तो पक्की है, ज्यादातर ट्राइबल मूवमेंट्स टैक्स डिमांड, नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मेन लैंड में जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए उनकी बात कर रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट्स में क्या हुआ वो तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब हम लोग नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे हमारे इंडियन मेन लैंड में, इन मेन लैंड के ट्राइबल जो रिवॉल्ट थे उनमें सबसे मेन वजह थी भैया एक्सेसिव टैक्स डिमांड, एक्सेसिव लैंड रेवेन्यू डिमांड। भाई मुंह खोल के ब्रिटिश भंगियों की तरह पैसा मांगते थे कि भैया हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, बिल्कुल हद से ज्यादा पैसा मांगते थे। ओके, तो ऑब्वियस बात है ट्राइब्स परेशान हो जाएंगे, बोलेंगे भैया कहां से दें पैसा, पैदा थोड़ी ना हो रहा है, और बवाल छेड़ देते थे। कभी कभी फैमिन आ जाता था, कभी कभी मनी लेंडर्स और जमींदार। तो देखिए जो अंग्रेज थे इनकी साठगांठ थी मनी लेंडर्स और जमींदारों की, तो चूंकि अंग्रेजों को पता था कि हमसे नीचे जो पीरेंट्स हैं इनके बीच में मिडिलमैन जरूरी है, दलाल जरूरी है, ये जमींदार और वो लैंडलॉर्ड्स वही दलाल थे, मनी लेंडर्स वो वही दलाल थे। तो आप देखोगे जब उस चुआर रेबेलियन को दबाया गया, बहुत क्रश किया गया इसको, 200 रेबल्स की मृत्यु हो गई, और उसको दबाने में बहुत सारी धोखाधड़ी का भी इस्तेमाल किया ब्रिटेन ने, लोकल लैंडलॉर्ड्स को अपनी तरफ मिला लिया, जो मेन लीडर्स थे चुआर को उनको मरवा दिया, इस तरीके की दोस्तों बहुत सी चीजें हुई। फिर आगे आते हैं कोल म्यूटनी पे, 1831 में हुई थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू के इलाके में ये रहते थे। भैया छोटा नागपुर प्लेट्यू का इलाका यही है, दिस इज बेसिकली छोटा नागपुर प्लेट्यू। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया इसी आसपास के जो, इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास के जो इलाके हैं वहां के रेबेलियंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो कोल्स थे छोटा नागपुर इलाके में रहते थे, कंप्लीट ऑटोनॉमी में रहते थे ये लोग अपने ट्रेडिशनल चीफ्स के अंदर, लेकिन ऑब्वियस बात है इनकी ऑटोनॉमी को किसने वॉलेट किया, ब्रिटेन ने वॉलेट किया। और ब्रिटिश के साथ कौन आया, तो मनी लेंडर्स आएंगे, तो मर्चेंट्स आएंगे, ट्रेडर्स आएंगे। वो ट्रेडर्स गांव में जा जाके ट्राइब्स को जा जाके, जैसा कि मैंने बताया ना ट्राइबल को परेशान कैसे करते थे, बाहर की चीज महंगी बेचते थे ट्राइबल इलाकों में, ट्राइबल की चीज सस्ती खरीदते थे और बाहर जाके उसको महंगा बेचते थे। फिर जो मनी लेंडर्स होते थे वो ट्राइबल इलाके में आके लोन देते थे, उस लोन पे हैवी इंटरेस्ट मांगते थे, ये इंटरेस्ट ये ट्राइब्स चुका नहीं पाते थे, ये बर्बाद हो जाते थे। तो आप देखोगे कोल्स की जमीनें हड़पनी शुरू कर दी बाहर के किसानों ने, बाहर के मनी लेंडर्स ने।
बहुत सारा टैक्स देना पड़ा कोस को, बहुत सारे कोस जो कि जमीन ओन करते थे बाद में बॉन्डेड लेबर्स बदल गए। और भाई अब ब्रिटिश की जो जुडिशियल पॉलिसीज थी वो हमेशा जमींदार को सपोर्ट करती थी, लैंडलॉर्ड्स को सपोर्ट करती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, कोस का कोई फायदा था नहीं। तो आप एंड में देखोगे म्यूटनी होनी ही थी, जो कि हुई 1831 से 1832 में। भैया ब्रिटेन के अगेंस्ट और मनी लेंडर्स के अगेंस्ट बवाल छेड़ दिया, बहुत सारे आउटसाइडर्स को जला मारा इन्होंने। कहा जाता है कि लगभग 1,000 आउटसाइडर्स को जिंदा जला दिया गया, उनके घर जला दिए गए। इस रिवॉल्ट का लीडर कौन था? बुद्धो भगत, BUDDHO BHAGAD। बुद्धो भगत वॉज अ लीडर ऑफ कोल मोटनी। ओके, बहुत बुरी तरीके से इस रिवॉल्ट को सप्रेस करना पड़ा, क्रश करना पड़ा। देखिए रिवॉल्ट को सप्रेस करना है तो आपको बवाल करना ही पड़ेगा, आपको क्रुएलिटी दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आप रिवॉल्ट को सप्रेस नहीं कर पाओगे। और इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भैया कलकत्ता और बनारस से जो इंग्लिश फोर्सेस थी ना उनको अलग से बुलाना पड़ा, इतना भयंकर ये रिवॉल्ट एक टाइम पे हो चुका था। 2 साल तक ये रिवॉल्ट चला, ब्रिटेन ने अपनी सुपीरियर वेपनरी से इस रिवॉल्ट को दबाया। आगे बात करेंगे हो अपराइजिंग की, मुंडा अपराइजिंग की। ये जो हो अपराइजिंग है ये हो ट्राइबल्स ने करी थी, कहां रहते थे? सिंहभूम नाम की जगह है झारखंड में, झारखंड में जो सिंहभूम का इलाका है वहां पे हो ट्राइबल्स रहते थे। इनको ऑर्गेनाइज किसने किया, इनको लीड किसने किया? राजा ऑफ पराहत ने। और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी, क्यों? क्योंकि भैया ये जो रेवेन्यू पॉलिसी थी, टैक्स पॉलिसी थी, ये पसंद नहीं थी। प्लस जो आउटसाइडर्स थे वो इस इलाके में आके सेटल हो रहे थे, और ये जो इनसाइडर्स थे यहाँ के जो नेटिव लोग थे इनको पसंद नहीं आ रहा था कि बाहर से आके लोग इनके इलाकों में रह रहे हैं। तो बवाल होना ही था, बवाल शुरू हो गया। 1837 तक ये बवाल चला, बाद में कुछ समय के लिए इन होस को शांत करा दिया गया। फिर से 1831 में बवाल शुरू होगा जब मुंडास और होस मिल जाएंगे और मिल के अंग्रेजों के खिलाफ बवाल करेंगे। अच्छा, इन होस को एक और चीज पसंद में नहीं आ रही थी, क्योंकि जो झारखंड इलाका है बंगाल के काफी पास था, तो झारखंड में बहुत सारे बंगाली आके सेटल कर रहे थे। ज्यादातर केसेस में वो बंगाली ऐसे लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, मनी लेंडर्स थे या ट्रेडर्स थे, और ये चीज इनको, इन हो ट्राइबल्स को पसंद नहीं आ रही है। आगे बात करते हैं मुंडा अपराइजिंग की। देखिए मुंडा अपराइजिंग जो रांची के आसपास का इलाका है, खासकर रांची के जो साउथ का इलाका है वहां पे हुई थी। इनका जो एक कैरिज्मेटिक लीडर था जिसका नाम था बिरसा मुंडा, उसके अंदर ये अपराइजिंग हुई थी। छोटा नागपुर के इलाके में हुआ था, हालांकि छोटा नागपुर का इलाका बहुत बड़ा है। एक सिस्टम चलता था जिसका नाम था खुंतकती सिस्टम, ये मुंडास के अंदर इनका ट्रेडिशनल सिस्टम था खुंतकती सिस्टम। यहाँ पे एक ज्वाइंट होल्डिंग ऑफ लैंड होती थी, यानी लैंड सेग्रीगेटेड नहीं था, अलग अलग मुंडास के हिसाब से बहुत सारे मुंडास एक साथ लैंड को ओन करते थे। ट्राइबल सोसाइटी की एक खास बात थी, लैंड की कंबाइंड और कलेक्टिव ओनरशिप होती है, कोई एक पर्सन ये नहीं बोलता था कि ये लैंड मेरा है। हालांकि बाद में ट्राइबल सोसाइटी में भी कुछ बहुत बेसिक चेंजेस आए और लैंडों को सेग्रीगेट किया जाने लगा, ट्राइबल सोसाइटी में से भी कुछ लीडर्स उभर के आए जिन्होंने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया और बाकी लोग कमजोर हो गए। बट फिर भी ओवरऑल आप देखोगे जनरल पर्सपेक्टिव से, एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे तो कॉमन ओनरशिप होती थी लैंड की। लेकिन ये कॉमन ओनरशिप ऑफ लैंड चली गई जब ब्रिटेन घुसना शुरू हुआ इन इलाकों में, जब जमींदारों का घुसना शुरू हुआ। ब्रिटेन और जमींदार ने बोला क्या खून खत्ती, निकलो बाहर, जमींदारी सिस्टम। जमींदारों के बीच में लैंड्स को बांटा गया और जमींदारों कहां से कहा गया पैसे दो। जमींदारों ने नीचे के किसानों को दबाना शुरू किया। मुंडास को समझ में आया कि भैया हम तो यहाँ पे राज करते थे, ये कौन आ गया भाई? इनडेप्टेडनेस में फंस गए, उधार में फंस गए, फोर्स लेबर में फंस गए, भैया खाने के लाले पड़ गए। और जब खाने के लाले पड़ेंगे तो क्या होगा दोस्तों? फिर बवाल होगा। बवाल किसके अगेंस्ट हुआ? दिकूज के अगेंस्ट। दिकूज कौन थे? आउटसाइडर्स। अगर आपने NCERT हिस्ट्री किताबें देखी है दोस्तों, तो वहां पर मैंने मुंडा रेबेलियन, बिरसा मुंडा के रोल के बारे में समझाया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे बिरसा मुंडा एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी की तरह एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, लोगों को की परेशानियों को सॉल्व करता रहता था। इसके लिए उसकी जो फॉलोअरशिप थी ना, उसके जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। और मुंडा की लीडरशिप के अंदर इन मुंडाज ने लैंडलॉर्ड्स, मर्चेंट्स यानी ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के खिलाफ बवाल छेड़ दिया। काफी लंबे समय तक ये बवाल चला दोस्तों। उसने लोगों से कहा टैक्स देना बंद करो, और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने टैक्स देना बंद भी कर दिया। फाइनली आप देखोगे कि बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया जाएगा, 2 साल तक वो जेल में रहेगा, और फाइनली 1897 में बिरसा मुंडा को जेल से छोड़ा जाएगा। 1897 में बिरसा मुंडा जेल से छूटेगा, वो फिर से अपने रिवॉल्ट को रीऑर्गेनाइज करेगा। जब तक वो जेल से बाहर निकला तब तक उसका जो रिवॉल्ट था वो दब चुका था, सबसाइड कर चुका था। जरूरत थी उसको रीलॉन्च करने की, उसने उसको रीलॉन्च किया 1899 में।
और फिर से एक आर्म स्ट्रगल छिड़ा लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट। मुंडाज ने पुलिस स्टेशन को जलाया, लैंडलॉर्ड के घरों को जलाया, ब्रिटिश प्रॉपर्टी को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। फाइनली बिरसा मुंडा को 1900 में पकड़ लिया गया और 25 साल की एज में उसकी मृत्यु हो गई जेल में। कहा जाता है कि उसको कॉलेरा हो गया था। तो ये थी दोस्तों बिरसा मुंडा की कहानी। ओके, मतलब एक कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी, और आप देखिए दोस्तों 25 साल की उम्र पे उसकी ये फैन फॉलोइंग थी। आप सोचिए, मतलब एक अलग ही लेवल का आप कह सकते हो कि कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी रही होगी। अच्छा, एक और खास बात है दोस्तों, ये जो मुंडा की जो अपराइजिंग थी दोस्तों, इसको आप कह सकते हो क्या बोला गया, उलगुलन का पार्ट थी। उलगुलन का मतलब क्या है? उलगुलन का मतलब ये है कि देखिए, मुंडा राज होगा, जब मुंडास इन आउटसाइडर्स को उठा के बाहर फेंक देंगे, उसके बाद जो सोसाइटी सेटअप होगी वहां पे मुंडा राज होगा, और उस मुंडा राज को बोला जाएगा उलगुलन। तो अब आप यहां पे समझिए, ऐसा नहीं है कि बिरसा मुंडा ने इस मुंडा रेबेलियन को शुरू किया था। जब बिरसा मुंडा छोटा था ना, वो अपने फादर को, जो बड़े बड़े ट्राइबल चीफ्स मिलने आते थे उसके फादर से, उनको बात करते हुए देखता था। मुंडा इंडिपेंडेंस, मुंडा ऑटोनॉमी की बात बहुत समय से चल रही थी। जब बच्चा था बिरसा मुंडा, तब से वो सुनता आ रहा था इस ऑटोनॉमी के बारे में। वो अलग बात है कि जब बिरसा मुंडा बड़ा होगा तो वो इस रेबेलियन को लीड करेगा। फिर हम लोग आते हैं संथल रेबेलियन पे। ये कहां हुआ था? प्रेजेंट डे झारखंड में हुआ है दोस्तों, प्रेजेंट डे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल में। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी हुआ, जमींदारी सिस्टम के अगेंस्ट भी हुआ। कब से लेके कब तक हुआ? 1855 से लेके 1856 तक। ओके, इसमें जो मनी लेंडर्स थे, उन मनी लेंडर्स के पास पुलिस का सपोर्ट था, सरकार का सपोर्ट था, जमींदारों का सपोर्ट था। ये लोग क्या करते थे, जो गरीब किसान होते थे उनकी जमीनें छीन लेते थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इनका ही साथ देती थी। तो एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट शुरू हुआ। ये संथन रेबेलियन के लीडर कौन थे? सिद्धू कानू, दो ब्रदर्स, सिद्धू और कानू, देवर बेसिकली द लीडर्स ऑफ दिस संथल रेबेलियन दोस्तों। इनका एम क्या था? इनके इलाके में जो कंपनी का रूल चल रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसको खत्म करो। अब देखिए 1855 से लेकर 1856 की बात है, तो उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वो अलग बात है कि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट आ चुका। ओके, कुछ समय के लिए कुछ एक पर्टिकुलर इलाकों पर लड़ाई करके इन्होंने हथियार भी लिया, और उस पर बहुत समय तक इन संथलों ने राज भी किया दोस्तों। तो ऐसा नहीं था कि इनको सक्सेस नहीं मिली। अच्छा, इन संथल्स को एक्सप्लॉइट भी बहुत किया गया दोस्तों। जो लैंडलॉर्ड्स थे ना, गजब का इंटरेस्ट चार्ज करते थे, 500% का इंटरेस्ट चार्ज करते थे। यानी अगर लैंडलॉर्ड ने पैसा दिया, मान लीजिए 100 रुपया दिया किसी संथल को, तो उसके ऊपर उससे 500% का ब्याज मांगेगा। अरे 500% का ब्याज वो कहां से चुकाएगा? कभी चुपा ही नहीं पाते थे, इनकी पूरी की पूरी पुश्तें गुलाम हो जाती थी, ये बॉन्डेड लेबर में कन्वर्ट हो जाते थे, डेप्रिवेशन में जीते थे, जबरदस्ती इनसे पैसा वसूला जाता था, इनको गालियां दी जाती थी, इनको बिजनेस में चीट किया जाता था। ये लोग बहुत परेशान हो गए थे, और सरकार इनकी मदद करती नहीं थी। सरकार हमेशा लैंडलॉर्ड्स की मदद करती थी, क्योंकि सरकार को चाहिए था भैया पैसा। संथल रेबेलियन की शुरुआत हुई 1854 में लचिमपुर नाम की जगह पे। एक पर्सन थे बीर सिंह। बीर सिंह ने 1854 में पहला संथल रेबेलियन छोड़ा। पहला रेबेलियन छोड़ा किस जगह पे? लचीमपुर नाम की जगह पे, LACHIMPUR। उसके बाद बहुत से रेबेलियन हुए, छोटे मोटे बहुत से रेबेलियन हुए। मेन रेबेलियन को लीड किसने किया? सिद्धू और कानू। बहुत सारे मनी लैंडर्स को, बहुत सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को, बहुत सारे जमींदार को इन्होंने मार दिया। ओके, तो आप देखो, अच्छा एक और बात है, जब ब्रिटिश का रेबेलियन, जब ब्रिटिश का सप्रेशन आया, तो 20,000 से ज्यादा संथलों को मारा ब्रिटेन ने। तो मतलब इन्होंने अगर ब्रिटिश को उसको मारा, तो ब्रिटिशर्स ने भी पलट के बहुत ही खतरनाक और बहुत ही क्रूअल जवाब दिया इनको। और फाइनली आते हैं खोंड अपराइजिंग पे। खोंड अपराइजिंग के बारे में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा दोस्तों, 1837 से लेके 56 के टाइम पीरियड में हुई। ओडिशा से लेके आंध्र प्रदेश तक ये फैली हुई थी। ओडिशा में श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट थे। तो लंबे बहुत बड़े इलाके में ये खोंड अपराइजिंग फैली थी। एक यंग राजा थे जिनका नाम था चक्र बिसोई। चक्र बिसोई इसके लीडर थे, और चक्र बिसोई अकेले नहीं थे, बहुत सा सपोर्ट था चक्र बिसोई को। बहुत सारे खोंड थे जो चक्र बिसोई को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे घुमसर, काला हांडी और दूसरे ट्राइबल जो कि इन आसपास के इलाके में रहते हैं। आज की डेट में देखिए, जो काला हांडी
और आसपास की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उड़ीसा में, वहां बहुत सारी इंजर्सी है, इंसर्जेंसी है, जो मैस है, माओवादी है, वो वहां पे एग्जिस्ट करते हैं आज के डेट में भी। तो इस इलाके में चक्र बसोई ने एक मूवमेंट को लीड किया अंग्रेजों के अगेंस्ट में 1837 से लेकर 56 के बीच में, जिसको बोला गया खोंडा अपराइजिंग। किसके अगेंस्ट था भाई? भैया न्यू टैक्सेस के अगेंस्ट है, हमारे इलाके में जमींदार नहीं आने चाहिए। हालांकि आप देखोगे जैसे जैसे चक्र बिसोई का रोल खत्म होता जाएगा, वैसे वैसे जो खोंड अपराइजिंग है वो भी शांत होती जाएगी। अच्छा, खोंड अपराइजिंग एक तो 1837 से लेकर 1856 में हुई है, एक 1914 में हुई थी। 1914 में भी जो खोंड अपराइजिंग हुई थी उसका क्या एम था? कि ये जो ब्रिटिश रूल है इसको हम अपने इलाके से हटा दें। लेकिन तब तक ब्रिटिश रूल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, अपराइजिंग फेल हो गई और ब्रिटिश रूल इनके इलाके से नहीं हटा। दोस्तों चक्र बिसोई लीडर था खोंड अपराइजिंग का, याद रखिएगा। जैसे ही चक्र बिसोई गायब होगा वैसे ही खोंड अपराइजिंग भी दब जाएगी। तो ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।